युधिष्ठिर वेटेड फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थर्स्ट। युधिष्ठिर मतलब युधिष्ठिर ने वेटेड माने इंतजार किया फॉर हिज ब्रदर्स अपने भाइयों के लिए क्या किया इंतजार किया। इन एंग्जाइटी मीन्स होता है चिंता में एंड थर्स्ट मीन्स क्या होता है प्यास। प्यास और चिंता में अपने भाइयों का क्या किया इंतजार किया। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड क्या कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स क्या वे एक कर्स मीन्स होता है श्राप। क्या वे श्राप के क्या हो गए अधीन। सब्जेक्ट मीन्स होता है अधीन होना ठीक। क्या वे एक श्राप के क्या हो गए हैं अधीन हो गए हैं। एंड और मीन्स या आर दे स्टिल वॉन्डरिंग और दे मीन्स वे स्टिल माने अभी भी वॉन्डरिंग माने होता है भटक रहे हैं। अबाउट इन द फॉरेस्ट लगभग जंगल में क्या कर रहे हैं भटक रहे हैं। इन सर्च ऑफ वाटर मीन्स पानी की तलाश में हाँ तो क्या वे अभी भी पानी की तलाश में जंगल में क्या कर रहे हैं भटक रहे हैं ठीक के लिए। आगे देखिए कैन दे हैव फेंटेड क्या वे मूर्छित हो गए हैं और मीन्स या डाइड ऑफ थर्स्ट या फिर वे प्यास के कारण क्या हो गए हैं मर गए। थर्स्ट मीन्स क्या होती है प्यास तो क्या वे प्यास के कारण मर गए। अनेबल माने होता असमर्थ टू बियर मीन्स होता सहन करना तो यानी ना सहते हुए यानी सहन करने में असमर्थता थी उनको युधिष्ठिर को। दीज थॉट्स इन विचारों को ना सहते हुए एंड माने और ड्राइवन बाय एन ओवर पावरिंग थर्स्ट बहुत ही ज़्यादा ओवर पावरिंग मीन्स क्या होता है बहुत ही तीव्र। थर्स्ट मीन्स प्यास के कारण ड्राइवन बाय के कारण क्या हुआ ही मीन्स उन्होंने गेव अप मीन्स होता है छोड़ दिया या त्याग दिया। वेटिंग माने इंतजार करना ये ही किसके लिए आया बच्चों दृष्टि के लिए। तो ही मीन्स उन्होंने गेव अप मीन्स छोड़ दिया। वेटिंग माने इंतजार करना उन्होंने इंतजार करना छोड़ दिया। एंड मीन्स और स्टार्टेड माने शुरू कर दिया आउट टू लुक फॉर। लुक फॉर का मतलब होता है सर्च फॉर और सर्च फॉर मीन्स क्या होता है तलाश करना। तो उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया तलाश करना शुरू कर दिया हिज ब्रदर्स अपने एंड माने और द पूल और किसकी तालाब की। होपिंग मीन्स आशा करते हुए दैट माने कि ही माइट फाइंड देम। ही मीन्स वे माइट फाइंड पा लेंगे या ढूंढ लेंगे। देम मीन्स उनको ये देम किसके लिए आया भाइयों के लिए ठीक। और ये ही जहाँ आता वो कौन होता है ठीक है यहाँ तक क्लियर है ना ठीक। प्रोसीडेड मीन्स टू गो फॉरवर्ड उधर की ओर ही इन द डायरेक्शन मीन्स होता दिशा उसी दिशा की ओर ही क्या किया हिज ब्रदर्स उसके भाई हैड टेकन उनके जो भाई थे हैड टेकन जो लिया था वे जो रास्ता जिस रास्ते से गए थे वही रास्ता किसने लिया इन्होंने भी लिया। एंड मीन्स और केप्ट ऑन वॉकिंग केप्ट ऑन का मतलब होता जारी रखा वॉक मीन्स होता चलना इन्होंने क्या किया चलना जारी रखा। थ्रो ट्रैक्स उस रास्ते के माध्यम से उस ट्रैक के माध्यम से गए उस ट्रैक्स के माध्यम फुल ऑफ वाइल्ड बियर फुल मीन्स भरा हुआ था वाइल्ड बियर वाइल्ड मीन्स होता जंगली बियर मीन्स क्या होते हैं भालू जंगली भालू के रास्ते से क्या था ये भरा हुआ था। एंड मीन्स और स्पॉटेड डियर स्पॉटेड डियर का मतलब डियर मीन्स हो गया हिरन और स्पॉटेड मतलब ऐसा जिसमें धब्बे वगैरह हो ना उस तरीके का रंग बिरंगा हिरन कह सकते हो। एंड माने और बिग फॉरेस्ट और बिग मीन्स होता बड़े फॉरेस्ट मीन्स जंगल और बर्ड्स मीन्स होते हैं पक्षी तो बड़े बड़े जंगली पक्षी लाइक चील कह सकते हैं नहीं चील मैं बाज आगे दिए सब बड़े बड़े और इनसे भी बड़े बड़े पक्षी होते थे तो वो सब थे। और ऐसे रास्ते से होकर के कौन जा रहा है उसी दिशा में जा रहे हैं जिधर उनके भाई गए थे ठीक। आगे देखिए टिल माने तक कि ही केम अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मेडो फिर क्या हुआ वो ही मीन्स वे केम मीन्स आए अपॉन अ ब्यूटीफुल ग्रीन मीडो। ब्यूटीफुल मीन्स होता है खूबसूरत ग्रीन मीडो ग्रीन मीन्स क्या होता है हरा मीडो मीन्स घास के मैदान हम कह सकते हैं वो कहाँ पे आए अरे घास के मैदान में आए। अराउंड अ पूल लगभग एक तालाब के नज़दीक आ जाते हैं नियर अराउंड नियर कह सकते हैं नज़दीक आए। अब पूल मीन्स होता है तालाब के और क्लियर वाटर साफ पानी के तालाब के नज़दीक आए कौन आया है उनके भाई कहाँ अभी कुछ पता है नहीं पता है। फिर देखिए बट मीन्स लेकिन वैन मीन्स जब ही मीन्स उसने या उन्होंने सा मीन्स देखा हिज ब्रदर्स अपने भाइयों को जब उन्होंने अपने भाइयों को देखा। लाइंग मीन्स होता है लेटे हुए या फिर पड़े हुए। देयर मीन्स वहाँ लाइक माने की तरह फ्लैग पोल्स यानी जैसे झंडा नहीं होता फ्लैग में फ्लैग पोल्स आपको बताया गया है झंडे के समान मतलब झंडा जैसे होता है उसका जो बांस वगैरह होता है हम कहते वो जिस तरीके से लेटा ठीक उसी तरीके से उनके भाई वगैरह भी लेटे हुए ठीक। अनएबल मीन्स होता है असमर्थ टू रिस्ट्रेंड मतलब होता है कंट्रोल यानी कंट्रोल ना कर पाते हुए इस ग्रीफ अपने दुख को कंट्रोल ना कर पाते हुए ही लिफ्टेड हिज वॉइस ही मीन्स उन्होंने लिफ्टेड मीन्स उठाया हिज वॉइस अपनी आवाज़ को। एंड मीन्स और वेप्ट मीन्स रोए और वे रोए कौन रोया तेज तेज रोए ना ठीक। आगे देखिए
फिर क्या हुआ, ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन। अब देखिए यहाँ पे लिखा है ही मीन्स उन्होंने, टच्ड मीन्स छुआ, टच किया, द फेसेस, फेसेस मीन्स होता चेहरा होगा कि चेहरे होगा, ऑफ भीम एंड अर्जुन, क्योंकि भीम और अर्जुन दो लोगों के चेहरे को छुआ है, किसने छुआ है? अच्छा, चेहरा छूने से पहले वो रोए है कि नहीं रोए? और ही उसमें लिखा है ही लिफ्टेड हिज वॉइस, उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया, देखिए आप ऊपर वाले पैराग्राफ है, उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया और रोया, रोए, ठीक, कि क्या कह के रोए होंगे यही कि किसने मारा ना, ये क्यों मेरे भाई इस तरह से क्यों लेटे हुए हैं, जैसे ना इसी तरीके से। तो ही टच्ड द फेसेस ऑफ भीम, उन्होंने उनके भीम के चेहरे को एंड अर्जुन के चेहरे को क्या किया, छुआ। एज मीन्स जैसा, कि दे मीन्स वे, ले सो स्टिल, जैसे कि वो अभी भी लेटे हुए थे, कौन, साइलेंट, इस अवस्था में लेटे हुए थे, साइलेंट मोड, जानते हो, एकदम शांत। एंड मौन मीन्स विलाप, विलाप किया, विलाप कौन कर रहा है, मौन, युधिष्ठिर विलाप कर रहे हैं। वाज मीन्स क्या, दिस माने यह, टू बी एंड, क्या दिस माने यह कह दें या इस तरह से, टू बी एंड, अंत होना है, ऑफ ऑल अवर वोज, ऑफ माने की, ऑल मीन्स सभी, अवर मीन्स हमारी, वोज मीन्स होता प्रतिज्ञा, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का इस तरह से क्या होना है, अंत होना है, ये कौन कह रहा है, ठीक। और टच का किसको किया है, किसके फेस को टच किया गया है, भीम और अर्जुन के फेस को, ठीक है। आगे देखिए, जस्ट मीन्स ठीक, वैन मीन्स जब, अवर एग्जाइल, एग्जाइल मतलब होता है बच्चों वनवास, क्या होता है, वनवास, इज अबाउट टू एंड, जब, इज अबाउट माने हो गया लगभग, टू एंड मीन्स होता अंत, जब वो भी हमारी प्रतिज्ञाओं का अंत तब होना है जब हमारे वनवास का क्या होना है, अंत होना है, मतलब अंत, बिल्कुल अंत हो गया, ये मान के चलिए वनवास क्या है, ख़त्म ही है, कोई लास्ट सीढ़ी है वनवास की, इनको भी वनवास गए थे ये लोग, ठीक, युधिष्ठिर और युधिष्ठिर के भाई लोग, ठीक। तो वहाँ पर भीम क्या है, भीम और अर्जुन लेटे हुए थे लाइक फ्लैग पोल से, यानी जैसे झंडा का, हाँ झंडे, झंडा का जो वो नहीं होता बाँस, उस तरीके से लेट जाते, वैसे ही वो भी लेटे हुए थे। तो भीम जो युधिष्ठिर है वो बहुत ज़्यादा क्या है, दुखी है, ठीक। फिर क्या कहते हैं, यू हैव बीन टेकन अवे, यू हैव बीन टेकन अवे का मतलब हो गया तुमको, हैव बीन टेकन अवे, दूर ले जाया गया है, या तुमको हमसे क्या कर लिया गया है, छीन लिया गया है, अलग किया गया है, तुम्हें छीना गया है, तुमको छीन लिया गया है। इवन माने भी, द गॉड्स मीन्स भगवान, जो जितने भगवान भगवान है, एक भगवान है गॉड्स लिखा है, ठीक, जितने गॉड्स और हैं भगवान हैव फॉरसेकन, फॉरसेक मतलब होता है छोड़ देना, लीव की सिनोनिम होता है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ तक कि द गॉड्स मीन्स भगवानों ने भी क्या किया है, छोड़ दिया है। मी मीन्स मुझे, इन माने मैं, माई मीन्स मेरे, मिसफॉर्च्यून मीन्स होता है दुर्भाग्य, मेरे दुर्भाग्य में भगवानों ने भी मुझे क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, ठीक।